नवंबर को लंतरानी मीडिया हाउस की छठी सालगिरह है। इस मौके पर पूजा, आप और सुहेल वासी साहब, आप जो आप लोगों का मशहूर जमाना प्रोग्राम है रंगरेजा, वो आप लोग वहां पर जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये रंगरेजा प्रोग्राम जो है, इसका कंसेप्ट, खासतौर पर सुहेल भाई, चूंकि कंसेप्ट आपने इसको डिजाइन किया था, और उसके बाद जो है उस कंसेप्ट में रंग भरने के लिए जो है पूजा की गुलोकारी ने जो है उसको मुकम्मल किया, तो ये कैसे हुआ, इसके ताल्लुक से कुछ बात? फिर सब मामला ये रहा कि रंगरेजा एक सूफी सिंगिंग का प्रोग्राम है जी, और सूफी थॉट आप पूरी दुनिया में देख लें। इसका आइडिया यूं आया, मैं खुद भी एक सूफी सिलसिले से मेरा रिश्ता है, वारसी सिलसिले से, तो मुझे बहुत से सूफियों के, संतों के कलाम सुनने का इत्तेफाक हुआ जी। बाबा बुल्ले शाह हैं, हजरत अमीर खुसरो हैं, बेदम शाह वारसी हैं, मीराबाई हैं, संत कबीर हैं, और मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं। ये ऐसी शख्सियात, ऐसी सूफी शख्सियात गुजरी हैं दुनिया भर में, तो मुझे एक बात का एहसास हमेशा रहा कि आप चाहे दुनिया में नॉर्थ में देख लें, साउथ में देख लें, मशरक में, मगरब में, किसी भी जगह, अगर जहाँ भी सच कहा जा रहा है, रूहानियत की कोई बात की जा रही है, वो चाहे किसी जबान में हो, किसी कल्चर से निकल के आई हो, दुनिया के किसी भी हिस्से से आई हो, और किसी वहाँ के लोगों के लिबास पहनने का तरीका अलग हो, जबानें अलग हो, लेकिन जब जब उन्होंने ये बातें कही, हक की बात कही, सच्चाई की बात कही, ट्रुथ कहा है, रूहानियत की बातें कही है, तो वो एक ही बात थी, जो बात मशरक में एक साहब कह रहे हैं, एक सूफी कहता है, वही बात उसी की गूंज जैसे कि हमें मगरब में सुनाई देती है। बस खाली जबान का फर्क, जबान का फर्क है, लिबास का फर्क है, अंदाज़े बयान का फर्क है, लेकिन बयान जो है, बयान की रूप वही है, बरकरार है, बिल्कुल वही है। इस बात ने मुझे खासतौर से इतना मुतासिर किया कि मुझे ख्याल आया कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ सूफियों के, मुख्तलिफ संतों के, वो कला हमारा हिंदुस्तान जो एक मुकम्मल, जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जो एक डाइवर्स कल्चर में हम रहते बसते हैं जी, और जिसकी वजह से ये बात जो है पैदा होती है कि हाँ किसी जबान में कही जा रही है, तो इन्हें एक जगह गुलदस्ता जैसा तैयार किया जाए और उसे लोगों के सामने पेश किया जाए। और हमने कोशिश की, पूजा से कॉन्टैक्ट किया, पूजा ने जिस खूबी से इसे गाया है जी, वो आप इस प्रोग्राम को 28 नवंबर को देखेंगे। इससे पहले हम दो तीन प्रोग्राम इसके कर चुके हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोग आए, लोगों ने सुना, उसकी बहुत पसीराई हुई, और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत हाथों हाथ लिया गया। तो ये 28 नवंबर को लंतरानी वाले जो करने जा रहे हैं जी, इसमें उन्होंने हमें अप्रोच किया और कहा कि ये प्रोग्राम आपको करना है सूफी सिंगिंग का, जजाकल्ला, बहुत खूब। तो अभी 28 नवंबर को आप देखेंगे इंशाल्लाह कि, तो माजी में आप इसके दो प्रोग्राम, दो शोज जो है कर चुके हैं, तो इसमें फर्क क्या होगा जो पिछले प्रोग्राम थे और इसमें कुछ? जी बहुत अच्छा सवाल आपने, अगर ऐसा हो कि एक ही कलाम की चीजें जो है, सूफियों का, संतों का कलाम बेपना लिखा गया है, बेपना गाया गया है, तो अगर हम 12-15 कलाम जो है एक प्रोग्राम में अगर करते हैं और उसे रिपीट करते जाते हैं, तो एक तरह का मोनोटोनस पैदा हो जाता है और फिर दूसरे कलाम को जगह नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात ये रही कि हमें बहुत से कलाम, बहुत से जबानों के, पंजाबी में, फारसी में, अवधी में, ब्रज में, उर्दू में, ये सब अवेलेबल रहे। तो हमने दो तीन जो प्रोग्राम्स किए हैं इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जी कलाम बदल लिए हैं, लेकिन इसकी स्पिरिट को कायम रखा, ये खास बात कि वो डाइवर्स कल्चर, वो जो रुझान है मिला जुला गुलदस्ते जैसा, वो बरकरार है। अच्छा पूजा, आप ये बताएं कि गुलोकारी जो है आपके पसंदीदा शौक है, रग रग में समाई हुई है, और आपकी गुलोकारी का आगाज जो है कुछ फिल्मी गीतों से और गजलों से हुआ, तो वहां से सफर शुरू होते हुए यहाँ पर आया रंगरेजा तक, यानी सूफियाना कलाम तक, तो इस पे आप क्या तब्दीली महसूस करती हैं वो उस गुलोकारी में और इस गुलोकारी में? दरअसल गजल में जो मेरे सबसे पसंदीदा गुलकार है, गुलकारों में से एक है जी, वो उस्ताद मेहदी सिंह खान साहब है, क्या जो
की गायकी से मैं बहुत मुतासर हूँ और मैं बहुत आज भी उन्हें सुनती हूँ। जाहिर है पूरा आलम जो है। जी तो मैं उन्हें रोज सुनती हूँ और रोज महसूस करती हूँ कि उनमें एक रूहानियत बात है जी। जो जब वो गाते हैं कोई भी गजल, हम ऑडियो सुनते हैं फिर भी हम वो फील करते हैं। ऐसे बहुत रेयर होता है कि कोई मतलब सामने मौजूद नहीं है फिर भी हम फील सिर्फ आवाज से ही आवाज से ही हम वो फील करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बारीकी की बात कही आपने। तो वो फील कि जिस फील की मैं बात करूं, जिस रूहानियत की मैं बात करूं, वो जॉनर मुझे सूफी में भी लगा जब मैंने आबिदा परवीन जी को सुना। सूफी मैंने एक सूफी शो अटेंड किया था। सूफी यानी काफी यानी मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि अरे सूफी आजकल तो ट्रेंड चल रहा है सूफी का। तो सूफी यानी आम लोगों में ऐसे है कि जैसे तेरे वो डर्टी पिक्चर का वो गाना कौन सा, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, तो उसने सूफियाना शब्द आया तो वो सूफी हो गया। उनकी पहुंच वहीं तक ये हाँ। तो मुझे इस बात से बहुत दुख महसूस होता था कि ये सूफी शब्द लोगों को सही तौर पर मालूम नहीं, सही तौर पे यानी पहुंचा नहीं है क्योंकि उन्होंने आबिदा जी को सुना नहीं शायद, जो भी मतलब हमारे जनरेशन के लोगों की बात करें। तो जब सोहेल भाई से मेरी सोहेल भाई से जब मुलाकात हुई तब मैंने पहले उन्हें पूछा कि सूफी चीज है क्या, मुझे पहले बताइए आप। तब उन्होंने मुझे बखूबी से एक्सप्लेन किया और मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट हमें करना ही चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। तो उन्होंने जिक्र किया हजरत अमीर हुसैन, मीराबाई, बुल्ले शाह, बहुत काफी सेंट्स के नाम में से कुछ लोगों से तो आप वाकिफ होंगे और कुछ आपके लिए नए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, हजरत अमीर हुसैन जी तो छाप तिलक को हर कोई गाता है आजकल, तो छाप तिलक तो मुझे पता था। उसके अलावा भी काफी सारी चीजों के बारे में मुझे मालूम हुई भाई से और बाद में मैं सूफियाना भी सुनने लगी अपार्ट फ्रॉम गजल्स। तो ये कॉन्सेप्ट फिर मैंने रंगरेजा जो ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ सिंपल शब्द में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास है आप उसे पानी कहो या आप उसे जल कहो या आप उसे वाटर कहो या आप उसे नीर कहो, उसकी हस्ती तो नहीं बदल जाती है, पानी ही रहती है। मतलब आप जो हम मैं भी पानी पीती हूँ, आप वाटर पीते हैं, आप जल पीते हैं, तो हम एक ही चीज पी रहे हैं लेकिन उसको नाम अलग अलग दे रहे हैं। तो जो सेंट्स है, जो से सूफी हुए हैं, उन्होंने अलग अलग भाषा में अपने तरीके से एक ही बात को कहा है। मतलब सबने अपने दिल की बात कही है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि सब लोग अपने अपने रिलीजन को मानते हैं, अपने अपने धर्म। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जो जहाँ पर मजहब की बहुत अहमियत है। तो हाँ, तो अभी जैसे मैं अभी मैं पंजाबी नहीं हूँ, बुल्ले शाह जी को मानने वाले लोग जो वो उनको वो भाषा समझ में आएगी ना कि फारसी या ना कि, तो वो उनको समझ में आएगी। आपको कोई और भाषा जो ये है उर्दू वाले हैं और मुझे महाराष्ट्र में भी सेंस हुए तुकाराम जी, तो मुझे वो ज्यादा लेकिन बात तो एक ही कह रहे सब, बात एक ही कह रहे। अभी आपने ये महाराष्ट्र की बात की तो जाहिर आपका ताल्लुक भी इसी रियासत से, महाराष्ट्र से। तो एक मराठी कल्चर में पली बड़ी लड़की जिसका नाम पूजा है, जिनके वालिद साहब जो है वो चरण गायतोंडे, तो ये बताइए कि ये उर्दू की जानिब आपका रुझान कैसे हुआ और किस तरीके से आप जी। दरअसल ऐसे हुआ कि गजल गायकी में मैंने एक जगह परफॉर्म किया था, जब मैं
14 साल की थी, सुर सिंगार संसद में। तो मैंने दिल नादा तुझे हुआ क्या था आखिर इज्जत, तब तब से मैं मेहदी हसन साहब की गायकी को मुतासर हुआ। आज मतलब वो चलता रहा है सिलसिला। तो मैंने गाया दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर, आखिर गाया मैंने। तो मैं तो 14 साल की उम्र की मतलब बहुत। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने मुझे बैक स्टेज में आके कहा तुम गायकी तो अच्छा है लेकिन दाल भात नजर आती है। तो वो दाल भात है ये मुझे समझ में नहीं आई चीज। तो पापा ने मुझे कहा कि उर्दू सीखना पड़ेगा क्योंकि आखिर जब भी कोई चीज जो भी लैंग्वेज में हम गा रहे हैं, नॉट ओनली उर्दू, जो भी लैंग्वेज में हम गा रहे हैं उसमें परफेक्शन बहुत जरूरी है। मैं मराठी में गा रही हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मराठी गीत अलग प्रोनाउंसिएशन से गाए। बहुत बुनियादी बात है। या जो भी आज जाने की जिद गाऊं मैं तो बहुत गलत बात है। आज जाने की जिद ना करूं तो ये मुझे सीखना थी। तो मेरे में मुझ में वो चाह थी कि मैं उर्दू सीखूं। तो मैंने उर्दू की तालीम लेनी शुरुआत की उस्ताद इब्राहिम दरवेश जी से। बहुत सारे लोगों को उर्दू सिखाया जी। और बाद में मैंने लिख भी रही हूँ। अच्छा। और सीख भी रही हूँ NCPUL से। वो लिखना भी एक मुझे सीखना था स्पेशली लिखने के लिए। इसकी वजह भी मैं बताना चाहूंगी कि जैसे शुरू जो शब्द है वो लोग समझते हैं ये उर्दू हिंदी शब्द है बल्कि हिंदी नहीं है, वो एक अरेबिक शब्द है। तो शुरू में एन आता है, एन लेटर आता है और वो लेटर पर्टिकुलरली लिखने पर ही समझ में आता है कि एन है, नहीं तो हम हिंदी में लिखेंगे तो वो जस्ट शुरू आर र ही आ जाएगा, हम उसमें स्पेशली एन लेटर लिख नहीं समझ सकते। तो इससे पता चलता है कि आपको गटरल साउंड निकालना है, जो शुरू जो उका जो साउंड है वो गटरल निकलना चाहिए। मतलब बेसिकली इट्स माय इंटरेस्ट और बस आप सबकी दुआएं हैं और पेरेंट्स वालदेन का आशीर्वाद है और गॉड्स ग्रेस है, सबसे पहले तो गॉड्स ग्रेस है। तो अभी भी सीखना चालू है, सीखना तो जारी है। हम भी चाहते हैं कि आप जो है इसकी मेराज पर पहुंचे जो है गुलकारी की। और आपने भी वालदेन का जिक्र किया तो आप भी बताइए कि आपके इस शौक को पूरा करने में या अभी आप जिस मुकाम पर हैं और इससे आगे जाने में आपके घर वालों का, वालदेन का, आपके भाई आपके साथ में जो है प्रसाद जो है वो, तो कैसा सपोर्ट रहा, कैसा आप फील करती हैं? सपोर्ट काफी काफी मैं कह सकती हूँ काफी वेज में रहा। ऐसे तो मेरे भाई के बारे में जिक्र हुई है तो मैं कह ही देती हूँ कि ये मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे घर पे ही एक खुशकिस्मती की बात है। मेरा जो भाई है वो तबला सीख रहा और बजाता भी है, बहुत अच्छा बजाता है। तो काफी सारे सिंगर्स को ऐसे लगता है कि कभी हम गाते तो हैं, हम रियाज तो करते हैं लेकिन हम लोगों को तबले पे प्रैक्टिस नहीं मिलता। स्पेशली लोग बुलाते हैं घर, अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, स्पेशली लोग आते नहीं है घर पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो कभी भी किसी भी वक्त पे रात को सुबह दोपहर जब भी हो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें उसका भी रियाज हो जाता है, मेरा भी रियाज हो जाता है और एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बन जाता है। तो और पेरेंट्स का ऐसे सपोर्ट रहा है कि मम्मी का तो सपोर्ट जैसे कहते हैं बिहाइंड द स्टेज पिलर है। हाँ लेकिन वो नजर नहीं आता लेकिन वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी वो सामने नजर नहीं आता और माँ की तो दुआएं भी काफी होती है। बिल्कुल। तो जैसे आप सभी तो जानते रहेंगे रिहर्सल्स काफी होते मेरे घर पे इसमें जी। तो अगर मम्मी का सपोर्ट नहीं रहता तो अभी
वो छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। मतलब उन्होंने आपको हमेशा एनकरेज किया है। एनकरेज किया कि अब ब्रेक है तो मुझे किचन में दौड़ना पड़ता, अगर सपोर्ट नहीं करती लाना पड़ता सब कुछ वापस, फिर इसमें मैं खुद ही एग्जॉस्ट हो जाती अगर सपोर्ट नहीं रहता। पापा के सपोर्ट के बारे में ये कहती हूँ कि एक तो जो मेरे गुरु हैं सूफी के जो सिखाते हैं मुझे, उस्ताद मुनव्वर मासूम खान जी, तो वो रहते हैं मीरा रोड, तो जाने का और आने का और वहाँ पे 3 घंटा बैठने का, यानी टोटल 5-6 आवर्स मेरे लिए पापा निकालते हैं स्पेशली कि वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवल करके वापस आने को, ये यानी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, नहीं तो मैं कर नहीं पाती, मैं और मेरा भाई दोनों नहीं कर पाते कुछ कि ऐसा है, मतलब अपना बिजनेस संभाल के ये सब चीजें करना मुश्किल बात है। और पूजा खास तौर पर जो है बहुत सारे लोग आपके नाम से बखूबी वाकिफ हैं, ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान की सतह पर, तो थोड़ा नाज़रीन को आप इस बारे में बताएं कि अब तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है ताकि लोगों के इल्म में आ सके। जी मैंने सबसे पहले तो मैंने सूर सिंगर संसद कहा, भवन कल्चरल सेंटर अंधेरी, और खजाना फेस्टिवल जो हर साल पंकज उदास जी करते हैं ओबरॉय, ओबरॉय में जी काफी बड़े बड़े रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट रहते हैं, तलत अजीज साहब, अनूप जलोटा जी और कविता सेठ, इस साल सोनू निगम जी थे, तो हर साल वो क्या करते हैं स्टैंडर्ड आर्टिस्ट, उनके जो सीनियर आर्टिस्ट है वो रहते हैं और एक दो नए आर्टिस्ट वो लेते हैं जी हर साल। लेकिन मुझे उन्होंने 3 ईयर्स कॉन्सिक्यूटिवली बुलाया है, एवरी ईयर वो चेंज करते हैं लेकिन 3 ईयर्स कॉन्सिक्यूटिव वो मुझे बुला रहे हैं, मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठना भी एक बड़ी चीज है, लेकिन गॉड्स ग्रेस है कि मैं उनके साथ गाया भी है और सोलो भी मुझे मिलता है परफॉर्म करने को वहाँ पे। और एक चीज जो NCPUL का भी एक रिसेंटली वर्ल्ड मुशायरा हुआ था दिल्ली में जी, जिसके NCPUL जिसके वाइस चेयरमैन प्रोफेसर वसीम बरेली जी है, जो बहुत बड़े शायर है दुनिया में, और जो मेरे पसंदीदा शायर भी है जी, तो उन्होंने प्रोग्राम करा था दिल्ली में जी, तो वहाँ पे काफी बड़े लोग, काफी बड़े बड़े शायर आए थे कनाडा से, वर्ल्ड मुशायरा था, तो वहाँ पे भी मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिला कि मैं लगती नहीं हूँ मुंबई की हूँ, मैं लगती हूँ इंदौर या लखनऊ की हूँ जी, तो आई वॉज हैप्पी कि मैंने गुरु का नाम रखा जो जिन्होंने मुझे उर्दू सिखाया है। तो हम तो उर्दू वाले हैं तो आपका भी ट्रैक रखते हैं, हमने रिसेंटली देखा था कि मालेगांव में जो उर्दू किताब मेला हुआ था वहाँ भी आपने परफॉर्म किया, मालेगांव से हमारे दोस्तों ने हमको फोन करके बोला जो भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवल में आपको भिंडी बाजार थे, तो उन्होंने उन्होंने हमसे कहा कि वो क्योंकि भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवल में आपकी काफी शोहरत हुई थी यहाँ पर, तो जो लोग यहाँ अटेंड नहीं कर पाए तो उन्होंने हमसे बताया कि मालेगांव में जो है हमने पूजा को सुना, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने कश्मीर दूरदर्शन कश्मीर टीवी के लिए और बनारस में, रायपुर में, दिल्ली में से काफी सारे जगह पे, नागपुर में, तो नागपुर में भी बहुत अच्छा, मुझे ये खुशी महसूस होती है कि लोग अभी गजल और सूफी सुनने लगे हैं, मतलब आपकी जबरदस्त पजीराई होती है जहाँ भी आप जाती हैं, मतलब मेरे गाने के लिए नहीं बट ट्रेडिशनल जो गायकी है हमारी जो सूफी या गजल जिसमें क्लासिकल का बेस है वो सुनते हैं लोग, इसी बात से मुझे खुशी महसूस होती है। अब मुस्तकबिल में आपके कोई एल्बम या क्या मंसूबा है आपका जो आगे मुस्तकबिल? अभी एल्बम तो इन प्रोसेस है, अच्छा, जैसे रिलीज का डेट वगैरह है ना जरूर आप सबको, हम लोग मुंतजर हैं इसके, बिल्कुल बिल्कुल मैं खुद भी मुंतजर हूँ उसके लिए नहीं हम तो समझते हमारे लिए एक नेमत होगी वो जो है। और ये सुहेल भाई आपसे
ये जो लंत्रानी मीडिया हाउस का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उसके ताल्लुक से जो है तो कुछ आप अपना पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? लंत्रानी साहब नाम इतना इंटरेस्टिंग है जी, लंत्रानी हर किस तो देख नहीं सकता, इसका मतलब अरेबिक में ही होता है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ जैसा कि मेरे इल्म में आया जी कि लंत्रानी डॉट इन को आज दुनिया में जितने मकाम पे देखा जा रहा है जी, हैरत होती है कि ये उर्दू का पोर्टल है, इस पर उर्दू की तहरीर मौजूद है, इंटरव्यूज मौजूद हैं, सेमिनार्स की डिटेल्स मौजूद हैं, न जाने क्या क्या। तो एक तरह से उर्दू का जितना बड़ा काम मेरी नज़र में लंत्रानी डॉट इन का है वो बहुत अच्छा काम है। और जब लंत्रानी वालों ने मुझसे कहा कि ये सूफी प्रोग्राम करना है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तरह का ये जो पैगाम है सूफियों का ये सारी दुनिया में इतनी जगह देखा जा सकता है, ये पैगाम में मोहब्बत आम होगा। और पूजा आप भी इस ताल्लुक से कुछ हमारे नाजरीन को जो है वो पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं lanthrani.com के और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, लेकिन कॉन्ग्रेट्स टू lanthrani.com। और मैं बहुत इंतजार में हूँ कि जब कब ये शो होगा, हम इंतजार में हैं काफी काफी एक्साइटमेंट है, तो हम भी बहुत तैयारी कर रहे हैं इसके पीछे, इंशाल्लाह सक्सेसफुल शो होगा। तो 28 नवंबर को भारतीय विद्या भवन के हॉल में शाम में 6 बजे जो है मुंबई और मुंबई के अतराफ के कोने कोने से जो है लोग लंत्रानी मीडिया हाउस की 6वीं सालगिरह पर आएंगे, और रंगरेजा का जो है आपका ये शो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह माजी के जो शो है उससे ज्यादा कामयाब होगा और उससे ज्यादा आप लोगों की जो पज़ीराई होगी लंत्रानी मीडिया हाउस के इस प्रोग्राम को करने के लिए, जो आपने इकरार भरा हामी भरी उसके लिए जो है हम सारे लोग जो है आप दोनों के मशहूर है और मुंतजिर हैं। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ lanthrani.com के खास तौर से जी, कि ये वाला प्रोग्राम जी इनके दूसरे प्रोग्राम से हम देखे, और ये प्रोग्राम भी खास तौर से ये डायरेक्ट रिले होगा लाइव सारी दुनिया में, बिल्कुल जहाँ जहाँ लोग चाहते हैं नेट के वसीले से ये उसको देख सकते हैं। यानी कि ये प्रोग्राम 28 नवंबर को तो यहाँ बॉम्बे में हो रहा होगा, लेकिन सारे दुनिया में जहाँ 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 से व्यूअर्स चाहते हैं जी देखना, वो लॉग इन कर सकते हैं और वो उसको लाइव देख सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कि बॉम्बे में बैठकर के ऑडियंस चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज एंजॉय, प्लीज एंजॉय। आखिर में एक बार बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका और सुहेल अख्तर वक्स साहब आपका। सबसे पहले पूजा जी को और सुहेल साहब को मुबारकबाद देती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। पूजा की आवाज़ मैंने पहली बार सुनी है, लेकिन सुहेल से इनकी बहुत तारीफ सुनी थी और सुनना भी चाहती थी। आज के दौर में इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए मैं आप दोनों साहिबान को बहुत मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आदा सासों की माला पे सिमरू मैं पी।
इतनी मैच्योर्ड सिंगिंग आजकल के जमाने में कहां सुनने को मिलती है। इतनी सही गजल गाना, पहले इन्होंने रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए मेहंदी साहब का कलाम सुनाया, कमाल कर दिया। जो जो कुछ गाया मन से गाया, गजल खुद में इतनी सशक्त है, इतनी खूबसूरत है कि उसको गाने की तभी जरूरत है यदि उसको हम और थोड़ा खूबसूरत बना सकें, और वो आज पूजा जी बखूबी कर रही हैं। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो गजलों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर साल, तो खजाना के जरिए मेरी मुलाकात पूजा से हुई। हमने पूजा को खजाना में गाने के लिए दावत दी और पूजा आई। हमने पहली बार जब उसे सुना तो सबके यूनानिमस रिएक्शन के पूजा जो है हैज अ वेरी लॉन्ग फ्यूचर, वेरी ब्राइट फ्यूचर। Pooja has tremendous amount of commitment, so I can only say, Pooja, God bless you, wish you all the very best, and may you shine as bright as a star in the years to come. Be with you. पूजा ने इतना सुंदर गाया है, मैं बस एक शेर आपकी नजर कर रही हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आप निभा रही हैं गजल को, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, शुक्रिया।